आम तौर पर जो वीडियो साढ़े चैनल से देखते हो मोस्टली फोकस होंगे ने ट्रैक्टर से, पर अज के वीडियो के असी किसी ट्रैक्टर बारे गल नहीं करांगे जी। अज असी गल करन जा रहे हैं जी 2009 मॉडल महिंद्रा मेजर से। ये साड़ी अपनी जीप है एंड यदा एक एक्सीडेंट हो गया से, ये एक वारा पशु वजह से, जिद करके गड्डी का फ्रंट एंड काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया। सो थानू सारिया डिटेल्स असी वीडियो के नैक्सट सैक्शन में देवे। मोस्ट वेटेड वीडियो से, मैंने काफ़ी कमेंट्स भी आए थे कि यदि डिटेल्ड वीडियो चाहिए है। सो वीडियो लैके थोड़े लिए हाजिर हाँ जी। मेरा नाम है जी गुरजीत सिंह ढिल्लों, तुम देख रहे हो PB7 मॉडिफायर्स। ऑलमोस्ट एक साल का टाइम लग गया सूँ इस गड्डी की कंप्लीशन से, क्योंकि काम का काफ़ी ज़्यादा रश रहा एंड सब तो निगलैक्टेड जो प्रोजेक्ट है अपनी जीप सी। जदों असी इस गड्डी नूं एक्सीडेंट तो बाद चंगी तरीके नाल ऑब्जर्व किया तो असी रियलाइज़ किया कि इहदा डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो गया एंड सानूं बॉडी रिप्लेस करना ही एक वधिया ऑल्टरनेटिव लग्या, क्योंकि कुछ हद तक गड्डी दे विच रस्टिंग भी सी एंड असी इसनूं ज़्यादा टाइम लई रिटेन करना चाहुंदे सी कि ताकि अगले 10-15 साल साडे लई जिहड़े ट्रबल फ्री रहे इह गड्डी। सो असी डिसाइड किया कि असी बॉडी टब इहदा रिप्लेस करांगे। अज की डेट के महिंद्रा जिहड़ा अपने आप डायरैक्टली बॉडीज़ नहीं बना रहा, सो साडे कोल इहदा बेस्ट ऑल्टरनेटिव सीगा जी बॉडी लई SGI रिंगस, श्री गणेश इंडस्ट्रीज रिंगस, एंड असी उन्होंने एक बॉडी टब ऑर्डर किया एंड ये बॉडी जी टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट जो एक्सपोर्ट जो वेरियंट करते हैं वो वाली बॉडी आ। सो थानू थोड़ा जहा मैं SGI रिंगस बारे भी दस दिना जी। आम तौर पर असी बॉडीज़ बारे जो जीपा की गल करते हैं तो बॉडीज़ के आता कि जी रिंगस की बॉडी असी लाती, रिंगस की बॉडी लाती, बट एक्चुअल जोड़ा असली रिंगस है जी, असली रिंगस मतलब रिंगस बहुत सारे लोग बॉडीज़ बना रहे हो, पर जे ओरिजिनल महिंद्रा के किसी टाइम के वेंडर्स भी रहे जी, सप्लायर रहे ने महिंद्रा के, वो है जी SGI रिंगस। एंड मैं थोड़ा नंबर भी स्पेसीफाई कर दूंगा जी, बेहद वधिया क्वालिटी दियाँ गैल्वनाइज शीट दियाँ जिहड़ियाँ जिंक कोटेड बॉडीज़ बनाउंदे ने एंड असी वो बॉडी चूज़ की है जी। काफ़ी सारे मिथ्स भी होंगे ने कि जी रिंगस दियाँ बॉडीज़ दे विच फिटिंग दे विच फर्क हुंदा या उन्हां दे विच कोई लोग कहिंदे टॉप कोल दा फर्क है जी, कोई कुछ कहिंदे ने, पर एक्चुअली अगर तुसी चंगी क्वालिटी की बॉडी लौंगे एंड एक चंगी सप्लाई चेन तो बॉडी लौंगे तो यह जी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आउणगियां। ये बॉडी डायरैक्ट फिट आई है जी, कोई ऑल्टरेशन्स नहीं करनियां पईयां एंड MM/MM जिहड़ी महिंद्रा दे ओरिजिनल स्पैक्स दे नाल मैच करदी आ। बॉडी की थिकनैस जी, शीट की थिकनैस या गड्डी की वेट की गल करिए एग्जैक्टली सेम सीगा, क्योंकि असी मैं अपनी सैटिस्फैक्शन वास्ते भी इनू वर्नियर कैलिपर के नाल सारी जी गेजेस जो चैक कीतियां, शीट की थिकनैस चैक की, गड्डी दी पूरी डायमेंशनस बिल्कुल ओरिजिनल बॉडी के नाल मैच कर दी सी, एक एक चीज़ जी बरीकी नाल इस बॉडी पर बनाई गई है। सो अगर तुसीं एक चंगी रेस्टोरेशन चाहते हैं तो मैं सारे नूं यही सुजैसट करूँगा जी, पुरानी जीप्स की बॉडीज़ से पैचवर्क ना कराओ, क्योंकि अगर तुसी मैटल ते एक बार पैचवर्क कर देने तो उत्थों दोबारा रस्टिंग की प्रॉब्लम जी नवें सिरों शुरू हो जाती है। सो अगर पीस ऑफ माइंड चाहते एक चंगी क्वालिटी रेस्टोरेशन चाहते हैं तो हमेशा उही करना चाहिए जी, जो मैं जो मैनू लगता कि ठीक है कि बॉडी टब जो रिप्लेस कर दो अगर थोड़ी बॉडी चंगी हालत नहीं हैगी। मैं अपने क्लाइंट्स या अपने व्यूअर्स भी उही चीज़ सुजैसट करता हूँ जो मैं अपने आप से अप्लाई करता हूँ, अगर असी चाहते तो अपनी बॉडी की जी पुरानी वाली बॉडी भी रिपेयर कर सकते सी, बट इवेंचुअली उसे पुट्टी वर्क बहुत ज़्यादा होना सी, पैच वर्क हो जाना सी एंड वो साल दो साल के जी रस्टिंग की प्रॉब्लम दोबारा शुरू हो जानी सी, तो असी जो अज इस जीप नूं इंजॉय कर पा रहे हैं मे बी असी इस क्वालिटी का जिहड़ा प्रोडक्ट असी नहीं डिलीवर कर पाते। तो लो जी आप हुण करते हैं जीप दी डिटेल्स तो शुरू। सब तो पहली जी चीज़ है जी मैं थोड़ा दिखाउणी चाहूँगा जी, वो हैगा जी इहदा बुलबार। कई साडे व्यूअर्स नू मैं कमेंट्स भी देखे, कईयां ने कहा कि ये तुसी बना के ला लिया जी, पर ये बना के लाया होया नहीं है जी, ना ही ये महिंद्रा क्लासिक दा है जी, ये जिहड़ी फर्स्ट जनरेशन महिंद्रा थार CID जदों लॉन्च हुई आ उहदी ऑप्शनल एक्सेसरीज़ दे विच आ वाला बुल गार्ड आउंदा हुंदा सी एंड एक क्लासिक दा लुक लाइक सीगा, ते ऑप्शनल एक्सेसरीज़ दे विच या इहदे जिहड़ा कवर फोटो होंदी सी पहली वाली थार CID दी उहदे ते वी किसी किसी कवर फोटोज़ दे विच आ वाला गार्ड जिहड़ा दिखाया गया। सो ये महिंद्रा ओरिजिनल गार्ड है जी एंड मैनू पर्सनली बहुत सोहणा लगदा सी, इस करके मैं अपनी पर्सनल लाइकिंग के हिसाब से यह वाला गार्ड इतने लाया जी। तो उस तो बाद जो गल करते हैं थले वाले बंपर की, तो इन थले वाले बंपर असी लाया हुआ जी CJ3B का, क्योंकि यह बंपर थोड़ा लंबा आता है, वो मेरी पर्सनल लाइकिंग के हिसाब से मैं वधिया नहीं लगता, काफ़ी लंबा बंपर आ। सो साडे कोल वो बंपर भी पाया जी, वो बिल्कुल चंगी कंडीशन आ एंड जदों गड्डी का एक्सीडेंट होया सी तां इहदा जिहड़ा डैमेज्ड पार्ट सीगा जी, वो सीगा इहदा फ्रंट बोनट, ग्रिल, आ वाला फेंडर, तो आ सारे एरिया इत्थे तक वज गई सी एंड टॉप कोल भी बेंड हो गया सी। सो असी फिर ताही करके असी सोचा कि नहीं असी इनू रिपेयर नहीं करांगे। तो बाकी गल करते हैं जे ड्राइव ट्रेन की, तो 2009 मॉडल गड्डी है जी, जेन्युइनली अराउंड 60,000 साडी चली हुई है जी गड्डी। सो असी मकैनिकल साइड तो इस गड्डी ते कोई भी काम परफॉर्म नहीं किया एंड मकैनिकली ये गड्डी इंजन क्लच गियर दे विच कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बेहद सुपर लाइट एंड वधिया चलती है जी गड्डी। थोनू मैं इंजन कंपार्टमेंट भी दिखाउणा आ ते इहदी स्टार्टिंग एंड बाकी सारियां चीज़ां भी थोनू मैं अगे दिखाउणा इहदे विच। आपां गल करांगे जी फ्रंट टायर दी, इस जीप दे विच असी यूज़ किए हैं जी महिंद्रा MRF दे 616 NDMS, जिहड़ी टू व्हील ड्राइव वर्जनस आउंदे हुंदे सी उहनां च रेडियल टायर्स आउंदे सी एंड फोर व्हील ड्राइव वर्जन दे विच जिहड़े NDMS आउंदे सी। इह गड्डी बेसिकली टू व्हील ड्राइव आ, पर क्योंकि मैनूं NDMS टायर्स बहुत पसंद आ जी, सो मैं अपनी लाइकिंग दे हिसाब नाल इस गड्डी दे विच NDMS टायर्स पाए ने, पर ये टायर्स जिहड़े आ
जो यदा कोलिजन होया उस तो कुछ महीने पहले असं पाए थे, सो हूँ असं टायर रिप्लेस नहीं किए। एंड जे लाइट्स से आईए तो लाइट्स भी यदि महिंद्रा दी ने, एंड ये मैं तुम दिखाऊंगा जी ये अमर दी लाइट्स आदि ने, सो आई लाइट्स अमर दी ने, आ साइड वाली जिहड़ियां साइड इंडिकेटर्स ने ये अमर दे ने, हेडलाइट्स असी ये लूमैक्स दी लाइया ने, एंड जेडे फेंडर फ्लेयर्स है जी ये मैं तुम्हें दसना चाहूँगा जी ये ओरिजिनल फेंडर्स ने जी, साढ़े एक फ्रेंड ने जी वो जीपा के बड़े शौकीन ने, सो उन्होंने मैं सोर्स करके दते ने जी, सो बड़ी वधिया फिटिंग एंड बहुत सोहनी फिट एंड फिनिश है इस चीज़ की, बड़े वधिया लगते हैं। यूजली आफ्टर मार्केट मिलते हैं बाजार के जिन्हों की क्वालिटी इन्नी सोहनी नहीं होंगी, सो ये सानू बहुत सोहनी एक चीज़ मिल गई सी। एंड बराड़ साहब ने जी साडे मित्र उन्होंने सानू ये सोर्स करके दते सी। इंजन कंपार्टमेंट एक बार निगाह मरा देना जी, यदा इंजन बिल्कुल ओरिजिनल है जी, कोई मकैनिकल्स नहीं हुए, असी सिर्फ इनू एक पेंट जॉब परफॉर्म की इंजन से, एंड बाकी तुसी देख सकते हो आ जिहड़ियां चीज़ां असी जिंक कराइया सी, फ्यूल लाइन जिंक कीतियां सी, एंड जिहड़ियां टर्बो दियां होजेस जां कनैक्टिंग होजेस जिन्हां ने ये आपां जिंक कीतियां सी। एक्सीडेंट दे विच इहदा फैन दा शराउड टुट गया सी, सो शराउड सर हले तक असी सोर्स नहीं कर पाए, सो जिद्दां ही शराउड सानू मिलदा असी शराउड फिट करांगे, जो एक चीज़ पेंडिंग रह गई इहदे विच। एंड आ एक साडे मुंडिया ने कलाकारी करती जी, ये हॉर्न की पोजिशनिंग इदा करती, लगते तो बहुत सोहने ने पर जो गड्डी वॉश होंगी उदो सू बहुत ध्यान रखना पैंता कि इन्हों इन्हों पानी जाने के चांसिस रेंगे ने। तो बाकी गल करते हैं जी, देखो हूँ मैं थोड़ा बोनट भी दिखा अंदरों, बोनट भी बिल्कुल ओरिजिनल स्पैक्स से है जी, कोई डिमेंशन का फर्क नहीं है, कोई किसी चीज़ का फर्क नहीं, कोई शेप का फर्क नहीं है, कोई हैड चैनल्स का फर्क नहीं है। एंड असी इनू अंदरले पासे जिदा कारा नवी कारा अंडर बॉडी प्लास्टिक की कोटिंग आँदी है, सो असी इनू अंडर बॉडी जी प्लास्टिक कोटिंग करती है, रिंकल कोटिंग आँदी है ताकि ये फरदर रस्टिंग ना हो। एंड असी भी कितने भी गड्डी के डैम्पिंग यूज़ नहीं की, डैम्पिंग एज इन की इतने डैम्पिंग शीट्स या वो हीटलॉन शीट्स ला देंगे, सो असी वो नहीं ले, क्योंकि जो भी असी गड्डी वॉश करा तो वो एयर पॉकेट्स रह जाने, पॉकेट के पानी पैंता है, एंड इवेंचुअली आह चीज़ जी फिर साड़ी गलनी शुरू हो जाती है। सो जीपा स्पैशली इदा दीज़ा की लड़ नहीं होंगी, ना ही सूँ बोनेट के अंदर इदा की कोई लाइनिंग लानी चाहिए, तो ना ही सूँ फायरवॉल कवर करनी चाहिए क्योंकि वो रस्टिंग जोड़ा अगे होर वाधा करती है जी वो चीज़। फ्रंट ग्रिल की गल करिए मैं तुम्हें एक छोटी जी चीज़ दिखा चाहता जी, डिटेलिंग की स्पेसीफिकेशन से, ये इनलैट का जो एयर क्लीनर का होज इतने जाता हूँ, एंड होज से एक आ कवर लग्या हूँ जी, ओरिजिनल ग्रिल्स भी हूँ, एंड जी असी हूँ एस जी ए तो बॉडी मंगाई वो भी यह लग्या हुआ, सो इस इन छोटी छोटी चीज़ों तो तुम अंदाजा ला सकते हैं कि बॉडी टब की जी क्वालिटी कितनी चंगी रही है। एंड क्योंकि एस जी आई हमेशा महिंद्रा नाल एसोसीएटेड रहा जी काफ़ी लंबे टाइम लिए, और काफ़ी टाइम पहला चलो हूँ तो नहीं काम कर रहे महिंद्रा के नाल, ये किसी टाइम तो उन्होंने कुछ पर्टिकुलर मॉडल से सप्लायर्स भी होंगे, सो इन को सारिया स्पेसीफिकेशनस ने जी महिंद्रा दी। एंड जे क्वालिटी की गल करिए मेरे ख्याल इंडिया के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ने जी विलीज़ के सी जे थ्री बीज एंड जिन्हें पुराने जीपा के मॉडल्स होंगे सी एस जी आई तो टॉप ऑफ द लाइन वाल के बन के पूरी दुनिया के जा रहे हैं। हुण तुहानू लैके चलते हैं जी गड्डी दे अंडर बॉडी वाली साइड से, तुहानू दिखाउने कि अंदर थल्ले पासे भी कितना सोहना काम होया जी, सो आ तुसीं देख सकते हो जी सारी जिहड़ी एंटी चिप कोटिंग हुई हुई है, प्लास्टिक कोटिंग हुई हुई है। एंड छोटी जी एक चीज़ होर फोकस करनी चाहूँगा जी, इत्थे एक निक्की जी ब्रैकेट हुंदी है अगर तुसीं देख सकते हो, यूजली आ ब्रैकेट जिहड़ी हुंदी आ ये हुंदी है बॉडी नू होल्ड करन लई, सो फेंडर दा वेट जिहड़ा इत्थे होल्ड करन लई एंड इहनू फेंडर नू चैसी ना बनन लई, सो आम तौर ते जिहड़ियां बॉडीज़ हुंदियां ने जिहड़ियां लोकल बॉडीज़ बनदियां ने उन्हां च आ चीज़ां बहुत सारियां चीज़ां जिहड़ियां इदां दियां छोटियां छोटियां मिसिंग हुंदियां ने। लोकल बॉडीज़ दे विच इक होर बड़ी चीज़ मैं देखी बड़ी बार नोटिस की है कि उहदे विच आह वाला पीस नहीं हुंदा जी, इत्थों सीधी कट के ना जी इदां ट्रायंगुलर एक प्लेट जी लाई हुंदी है, इहदा मैनूं रीज़न नहीं पता कि इदां क्यों लाउंदे आ, पर इस बॉडी नूं देख के कोई भी जना ये नहीं कह सकता कि कभी बॉडी रिप्लेस हुई है या कोई आफ्टर मार्केट बॉडी, ये तो थोड़ा मैं अज दस रहा डिटेल दे विच, इस करके थोड़ा ये जरूर पता लग जूगा कि इस बॉडी यदि गड्डी असी बॉडी रिप्लेस की है। बट दसण का कारण भी मेरा यही सगा जी, देखो मेरी कोई मैं कोई एस जी आई की प्रमोशन नहीं कर रहा, वो मेरे मित्र जरूर ने, पर दसण का कारण यह कि बहुत लोग जीपा के शौकीन ने, एंड अगर शौकीन बंदे कुछ चंगा काम करवाना चाहते हैं तो उन्होंने को चंगा समान लैन दिया भी ऑप्शन आ, सो ये मेरा प्राइमरी मोटिव सगा जी थोड़ा इस चीज़ में दसण बारे कि बॉडी टब रिप्लेस करन दा कारण की सी एंड असी सोर्स कितों कीता। तो हुण आपां अगे चलांगे जी कैनोपी ते, महिंद्रा दी ओरिजिनल कैनोपी है जी, एंड प्रोबेबली शायद मेरा अंदाजा है कि साडे कोले महिंद्रा दी बनी हुई आखिरी तरपाल है जी, क्योंकि तरपाल जी इस तो बाद असी ट्राई की सी, असी काफ़ी जगह ट्राई किया, काफ़ी एक्सपर्ट बंदे जिहड़े जीपां दे विच काफ़ी माहिर ने, लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है जिन्हां दा, उन्होंने भी असी गल की, पर कोई भी सानू सोर्स नहीं बनया जी यदा, क्योंकि पहला इदा हुंदा सी कि तरपालों के जो भी ऑर्डरस लगते होंगे सीधा क्योंकि डीलर सारे इंटरकनैक्टेड आ, सो कितों ना कितों पता लग जाता हूँ भी कितने तरपाल पई है, सो उतों सोर्स कर लिया जाता हूँ महिंद्रा का मेजर का स्पैशली समान। सो इस बार सूँ बाई चांस लास्ट सी जी, इस तो बाद सूँ होर कोई तरपाल नहीं मिली, एंड ओरिजिनल तरपाल है जी
एक तो यदि जी तिरपाल का क्वालिटी बहुत सोहनी है, दूसरी गड्डी दे विच लगी हुई बिल्कुल नवी गड्डी वांग लगती है जी। जो तो असं आफ्टर मार्केट तिरपाल बनाने बेशक वो सोहनिया बन दिया ने, उस कोई डाउट नहीं है। मैं भी बनवाऊंगा जी एक होरे दे लई हाफ कैनोपी, सिर्फ टॉप कवर कराऊंगा। बट आज की डेट जो असं ओरिजिनल स्पैक्स से तैयार किया, सो मैंने सगा भी बिल्कुल ओरिजिनल समान ही लग जाए जो गड्डी के नाल आया सी। तुहानू डैशबोर्ड दिखाने जी, मेजर का डैशबोर्ड बड़ा हमेशा तो थोड़ा जिहा डिफरेंट जिहा हुंदा सी 550 नाल जां दूजियां सीएल 500 नालों, ते इहदे च 3 ही मीटर आउंदे सी। इत्थे जिहड़ा हैडलाइट्स आ उच्ची नीवें करन वाला प्रोविजन हुंदा सी, एंड आ जिहड़ा फाइबर का पार्ट हुंदा सी। सो इहदे च कुछ फ्लॉज ने जो कि असीं रिपेयर नहीं कर पाए, क्योंकि इत्थे जिहड़े फिलर्स वगैरह टिकदे नहीं है। सो असीं इहनूं ज़्यादा जोर नहीं दित्ता इस चीज़ नूं फिक्स करन लई। एंड क्योंकि गड्डी साडी पुरानी है जी, इहदे च डबल टिन पायनियर दा म्यूजिक सिस्टम पहलां वी लग्गिया हुंदा सी, सो हुण वी लग्गिया होया। बट इहदे जिहड़ी चीज़ असीं ऐड करती उह हैगा जी रिवर्स कैमरा। सो थोड़ी जिही नवीं फीचर एक ऐड हो गया कह लो, बाकी तां बहुत बेसिक इहदे च फीचर्स आउंदे सी गड्डी दे विच। स्टेयरिंग व्हील नवा लग्या जी, एंड इधर आ जिहड़ी असैम्बली हुंदी आ कॉम्बीनेशन स्विच, इह असीं इहदे रिप्लेस कीता जी। गल करिए आपां इहदी रेयर सीट्स दी, तां जिहड़ियां सीट्स ने इह मेरी पर्सनल लाइकिंग दे हिसाब नाल मैं कैमोफ्लेज च तैयार कराईआं ने। एंड इहदे जिहड़ा सीट दा कपड़ा है जी, इह कोई सीटां वाला कपड़ा नहीं है, फौजियां दी जिहड़ी वर्दी हुंदी आ ओह वाला कपड़ा सी इहदे च यूज़ कीता। ते जे आपां गड्डी दे रेयर एंड ते चलदे आं, तां रेयर एंड तो भी मैं तुहानू दिखाउणा चाहूँगा जी गड्डी जिहड़ी आ। जिवें हुण आपां टेलगेट ही देख लीए, तां टेलगेट बिल्कुल OEM स्पैक्स ते आ जी, जिहड़ी चीज़ां जिहड़ियां सपोर्ट्स जिथे जिथे होनी चाहीदियां सी, सो हर चीज़ अपनी जगह ते आ जी। अगर आपां गल करिए ते पिछलियां सीट्स दी, तां पिछलियां सीट्स वी असीं कैमोफ्लैज च बनाईआं ने, एंड बिल्कुल उही चीज़ जो फ्रंट ते आ उहो जिहियां सीट्स ने। ते जिहड़ी फिटिंग दी गल करिए, तां बिल्कुल सीट्स अपनी ओरिजिनल जगह ते फिट आईआं ने, सो कोई ऑल्टरेशन नहीं करनियां पईआं सानूं। एंड जे आपां फ्लोर बोर्ड की गल करते हैं, तो तुसीं फ्लोर बोर्ड से भी देख सकते हो जिहड़े आ बेंड्स हुंदे ने इहनूं स्ट्रेंथन करन लई। सो ये सारियां चीज़ां बिल्कुल OEM स्पैक्स ते ने जी। हुण जे गल करिए आपां इहदी चैसिस दी, तां जिहड़ी आ वाली टोइंग हुक वाली प्लेट हुंदी जी, असीं 550 तों ड्राइव कीती है जी, महिंद्रा 550 ही लाई है। एंड इहदे च असीं रिवर्स कैमरा भी इंस्टॉल करता, सो एक नवीं चीज़ जिहड़ी इहदे च ऐड हो गई गड्डी दे विच। अगर आप गड्डी के कलर की गल करिए, तो ये सिविलियन वेरियंट्स के दो कलर आते होंगे, एक आता होंगे सनी बीच, तो दूजा आता होंगे चारकोल। सो असी इस गड्डी के चारकोल कलर चूज़ किया, क्योंकि सनी बीच कंपैरेटिवली काफ़ी कॉमन है जी, एंड असी चाहते थे कि थोड़ी जी डिफरेंट लुक आ जाए गड्डी की। सो असी ये कलर चूज़ किया, तो हुण तुहानू असी गड्डी के फाइनल शॉट्स दिखाने जी गड्डी रेडी होने तों बाद। महिंद्रा मेजर 2011 तक प्रोडक्शन च रही है, एंड 2008 तो लेके 11 तक जिन्नी भी ड्राइव ट्रेन उहदे च कोई चेंजेस नहीं आईयां सीगियां। ये गड्डी फैक्टरी फिटेड MDA टर्बोचार्ज इंजन दे नाल आई सी, एंड 5 फॉरवर्ड गेयरबॉक्स सीगा इहदे च, एंड 6वां रिवर्स सीगा। सो काफ़ी रिफाइंड सीगा जी, अगर आपां कहीए जीपिंग लेगेसी सब तो रिफाइंड जीप जिहड़ी आई सी ओह मेजर सीगी। एंड तुहानू मैं दिखाउणा स्टार्ट करके एक वारी, कोई धुआं नहीं मारदी गड्डी, बहुत वधिया कंडीशन चलदी है, एंड कोई ऑयल कंजम्पशन नहीं है, इंजन गेयर क्लच बहुत परफेक्ट कंडीशन है जी। ते एक बार स्टार्ट करके सुनाने तो आवाज़ ये डायरेक्ट इंजैक्शन इंजन से जी, बेशक माइनस टेंपरेचर्स भी असं इन्हों स्टार्ट कर लिए, इन्हों की स्टार्टिंग हमेशा इदा ही रही है जी। एंड हुण आपां गल करांगे जी कि इस वीडियो बारे, तो मैं मेरा जिहड़ा मेन फोकस सीगा तुहानू सारा दसना कि असीं इहदा बॉडी टब रिप्लेस कीता, एंड जिहड़ा गड्डी दी रेस्टोरेशन कंप्लीट हुई है। सो उहदा कंसर्न इही सीगा कि अगर तुसीं एक चंगी जीप दी रेस्टोरेशन करवाउणा चाहुंदे आ, तां अपनी गड्डी दी कंडीशन नूं जज करके अगर उहदे 'च पैचवर्क होण वाला, ते आइडल यही रहूगा कि तुसीं बॉडी टब्स रिप्लेस कर दो, ताकि तुसीं एक हैजल फ्री गड्डी दे नाल जिहड़े अगले 10-15 साल बिता सको। उम्मीद करदा कि आह वाली वीडियो तुहानूं चंगी लगी होएगी जी, नवे कंटेंट दे नाल दुबारा हाजिर होवांगे जी जल्दी। तुसीं सानूं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से फॉलो कर सकते हो, असीं इंस्टाग्राम, यूट्यूब ते फेसबुक ते अवेलेबल हाँ जी। वीडियो देखने लई बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।